अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वाले पाकिस्तान जिंदाबाद। उम्मीद करते हैं ये स्पेशल ब्लॉग हम जो बना रहे हैं ये भी अच्छा लगा, आपको पसंद आया। असल में आज हम जो है वो स्पेशल ब्लॉग बना रहे हैं डिसेबल पर्सन में वहाँ पहुँचा रहे थे। ये डिसेबल हैं, आँखों से देख नहीं पा रहे हैं, इनकी आँखों में काफ़ी अर्से से मोतिया है और सेकेंडली जो है इनके कान भी सुन भी नहीं सकते, ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं और ना देख सकते हैं, और डिसेबल हैं ये तीनों। मतलब बाकी नेमतों से महरूम है, लेकिन ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान, करोड़ों एहसान है। इनसे मिलने इनके शहर टोबा टैक्सिंग है, फ्रॉम फैसलाबाद टू टिबन टोबा टैक्सिंग। तो ये ब्लॉग देखिएगा आप लोग, अच्छा लगेगा। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हम ये काविश कर रहे हैं, इस काविश में आप भी अगर अपना हिस्सा डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो ये इनके घर में हमने विजिट किया है, इनका हाल देखा, क्योंकि एक डिसेबल शख्स होने के बावजूद जो अपनी ज़िंदगी जिस तरह गुजार रहे हैं, ना इनके पास खाने के लिए कुछ है, ना इनके पास कपड़े हैं, ना इनके पास रहने के लिए जो जगह है वो भी टूटी फूटी है, उनकी भी दीवारें वगैरह टूटी हुई हैं, कमरे जो हैं वो भी सही बने हुए नहीं हैं। तो हमने सोचा कि अब इस नेकी के सिलसिले को जारी रखने के लिए हम भी जो है वो अपने कदम उठाएं और विज़िट करें, चल के देखते हैं कि और जो हमसे हो सके या फिर जो हमारे देखने वाले नाज़रीन हैं जो भी उनसे हो सके तो वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। तो मैं अब इसमें जो है वो ये कर लूँगा कि मैं अपना जो नंबर है मेरा वो मैं आपको अटैच करके इसमें डाल रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि इनकेस अगर तो आप कोई अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहें उनके लिए, कि इनकेस इनके लिए कोई काम करना चाहें, पैसे देना चाहें, कोई सामान देना चाहें, जिस तरह भी आप लोग चाहें तो आप लोग कर सकते हैं उसके लिए। तो सबसे पहले तो इनका जो है वो कमरे का काम है वो होने वाला है, क्योंकि वो टूटा हुआ पूरा, क्रैक्स वगैरह आए हुए हैं उसमें। सेकेंडली जो है वो इनका जो है वो जॉब के हवाले से हमें कुछ करना है, क्योंकि जॉब वगैरह का सिलसिला कोई बन जाए। थर्डली इनका ऑपरेशन कराना है आइज़ का, दोनों आँखों में मोतिया चढ़ा हुआ है जिसकी वजह से इनकी आँखें काफ़ी टाइम से जो है ख़राब थी। और चौथा ये कि जैसे ये डिसेबल हैं तो इनकी के लिए भी रजिस्ट्रेशन वगैरह का प्रोसेस करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। तो CNIC इनकी एक्सपायर्स हो चुके हैं और CNIC की भी एक्सपायरी के लिए हमें जो है वो कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें और जो है किसी गरीब इंसान के लिए जो है वो कुछ ऐसा कर जाएं जो सदका जारी है। ना इसी कदम को आगे बढ़ाते हुए हमने भी कोशिश की है। तो आपसे भी दरख्वास्त है, इस वीडियो को देखिएगा, वहाँ की सूरत हाल को देखिएगा। मेरी है, मेरी फैमिली साथ है उसमें, तो वो भी गई है, उन्होंने भी जो है वो इसको एक्सपीरियंस किया कि किस तरीके से एक छोटे से शहर टोबा टैक्सिंग के अंदर एक छोटे से घर में लोग कैसे रहते हैं, कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। और ये जो है वो अगस्त में हम लोग इस वक्त आए हैं। तो इंशाल्लाह ताला वीडियो को देखते रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो कंटिन्यू करते हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। चलें हालत ये इनकी जिंदगी। ये लो ये जरा चाचू लोग कितने ज्यादा प्यार हो रहे हैं, चाचा फूड ही पहुंचेंगे। चलो बाबू आ जाओ, आओ आओ आ जाओ, चीजें निकाल के दिखा रहे हैं। आओ कुंडी लगा, हाँ आ जाओ, आओ आ जाओ। अच्छा चलो
जी वालेकुम सलाम भाई साहब, क्या हाल है? ये ले, यहाँ इधर डाल दो। इसको पता है। कहाँ है ये? कहाँ है ये? इधर लाइट में है। हाँ लाओ। यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठे, सबर करो।